हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। हम हमेशा नेगेटिविटी को नेगेटिव नज़रों से ही क्यों देखते हैं? क्या हम उसको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं एंड लेट्स सी कि ये डिस्कशन हमारी कहाँ तक जाती है। एक्चुअली क्या है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका एक अपोजिट साइड होना ज़रूरी होता है। कि जैसे कि अगर हमें कोई हाइट है उसको हमें देखना है, हाउ विल डिसाइड कि ये हाइट है और ये कितनी हाइट है, हम उसे कैसे मेजर करेंगे जब तक हमें उसकी डिप्थ के बारे में नहीं पता है। अगर हम हाइट की टॉप पर जाते हैं और गहराई में देखते हैं तो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ डिप्थ ऑफ दैट हाइट। तो बिना डिप्थ के हाइट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन बिना डिप्थ के हाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकती और बिना हाइट के डिप्थ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक वी कैन नॉट रिकग्नाइज लाइट विदाउट डार्कनेस, क्योंकि लाइट हमें तभी दिखती है जब उसके आसपास डार्कनेस होती है। और अगर सब तरफ सिर्फ लाइट ही लाइट होगी तो वी कैन नॉट रिकग्नाइज लाइट। ये रिकग्नाइज करने के लिए कि ये लाइट है, पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डार्कनेस को देखें, तभी हम लाइट को समझ सकते हैं। डार्कनेस को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि पहले हम लाइट को देखें, तो ही हम डार्कनेस को समझ सकते हैं। अगर मान लो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आज तक हमने अपनी ज़िंदगी में पेन नहीं देखा है, किसी भी चीज़ बारे में हमने अभी तक कुछ भी सफ़र नहीं किया है, हमें नहीं पता कि दुख क्या है, दर्द क्या है, तो वो खुशी भी हमें एक पेन ही लगती है। हमें उस खुशी में भी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। लेकिन जब हम सफ़र करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को झेलते हैं और उसके बाद जब हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आती है, खुशी आती है, तो हम ये रिकग्नाइज कर पाते हैं कि यस, दिस इज़ हैप्पीनेस। सो खुश होने के लिए भी हमें पेन को झेलने की ज़रूरत है, यानी कि अपोजिट। जितनी भी नेगेटिविटी हम अपने लाइफ में फेस करते हैं वो सब एक तरीके से रास्ता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बिना पाथ के, बिना रास्ते के तो कोई भी डेस्टिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। डेस्टिनेशन क्या है? मंजिल। और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तो होता ही होता है, चाहे वो रास्ता आप हमें खुद से ही क्यों ना बनाना पड़े, राइट? लेकिन देखा जाए एक तरीके से तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते। उस रास्ते का क्या फ़ायदा जो हमें डेस्टिनेशन तक नहीं लेके जाता, और उस डेस्टिनेशन का क्या फ़ायदा जहाँ तक कोई रास्ता नहीं जाता। तो ये दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, लेकिन अपोजिट भी हैं, राइट? ऐसे ही अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि पहले हम फेलियर को फेस करें। हर खूबसूरत चीज़ के पीछे एक स्ट्रगल होता है, एक बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा स्ट्रगल होता है, और उस स्ट्रगल के बिना वो चीज़ ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकती है। जैसे कि जब हम हिल स्टेशंस पर जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल हिल्स होती हैं, इतने सुंदर वहाँ के नज़ारे होते हैं, बर्फ़बारी हो रही होती है और बारिश हो रही होती है और इतने ग्रीनरी वहाँ होती है, इतना प्योर एनवायरनमेंट वहाँ का लगता है, इतना पीसफुल लगता है, कितना खूबसूरत लगता है ना हम लोग को। लेकिन क्या वो हमेशा से ऐसे ही खूबसूरत था? कभी कोई ऐसा टाइम रहा होगा ना जब वो बना होगा, जब वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा और वो बना होगा, क्या उसका वो जो बनने का प्रोसेस रहा होगा, क्या वो भी बहुत खूबसूरत था ऐसे ही? आई गेस नॉट एट ऑल। वो बहुत ही भयानक रहा होगा शायद, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। या तो वहाँ पे वोल्केनो आया होगा, या फिर हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से वो इतना बड़ा जो हील है वो क्रिएट हुआ, राइट? तो ऑफकोर्स वो ब्यूटीफुल तो नहीं होगा, वो खूबसूरत तो नहीं होगा उस वक्त, लेकिन आज की डेट में वो खूबसूरत है। तो इसी तरीके से हर चीज़ को समझने के लिए, हर चीज़ को जानने के लिए उसका नेगेटिव साइड भी देखना ज़रूरी होता है, और तभी हमें उसकी ओरिजिनलिटी का पता चल पाता है, तभी हमें उसकी रियल वैल्यू पता चल पाती है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर एंड वी कैन नॉट चेंज इट, वी जस्ट कैन फ्लो विद दिस। जिस तरीके से दिन और रात एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जिस तरीके से हैप्पीनेस और पेन एक दूसरे को फॉलो करती है, जिस तरीके से सक्सेस एंड फेलियर एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एंड दिस इज साइकिल, वी शुड नॉट गेट स्टक इन दिस, बट वी जस्ट नीड टू गो विद इट। जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे पॉजिटिव होगा ही होगा, और जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पे नेगेटिव होगा ही होगा, और जहाँ नेगेटिव नहीं है ना वहाँ पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और नेगेटिव के बिना पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एंड सेम विद एवरीथिंग, किसी भी चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए उसका अपोजिट साइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉजिटिव चीज़ों को तो हम पॉजिटिवली देख लेते हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को हम हमेशा नेगेटिवली देखते हैं, बट वी नेवर रिकग्नाइज कि
नेगेटिव के बिना पॉजिटिव तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव के होने के लिए नेगेटिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए हमें नेगेटिव को नेगेटिव नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना कि हम पॉजिटिव चीज़ों को देते हैं। आप मुझे बताइए कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव को किस तरीके से देखते हैं, और साथ में ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।